हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? सो आई नो आई एम लेट। यस आई एम लेट। कुछ जिंदगी में केओस सबके चलते हैं, ठीक है? तो मेरे भी चल रहे थे, मतलब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी और भी थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, तो इस वजह से मैं 2 दिन से तो वीडियो बना ही नहीं पाई, ठीक है? तो फिलहाल यार आज हम लोग देखने वाले हैं रेड चिली एंटरटेनमेंट से जवान का ऑफिशियल ट्रेलर। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है? और बहुत सारे रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ भी देख लिए होंगे, कैसा है क्या है। तो चलो एक और बार सही, शाहरुख खान सर को कितनी ही बार देख लो, कोई ज़्यादा हो जाता है नहीं ना, तो फिर एक बार और सही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया। भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। My God! सब उसके फैन बने पड़े हैं मैम। कोई नाम है? Ready. हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां, यही लड़की है। रोमांटिक होंगे मुझे इंप्रेस करने के लिए। हार जाओगे। हार तो मैं पहले गया था। ये बाल उसने क्या अपने हेयर डाई किया? They wanted to make a clear statement. जब मैं विलन बनता हूँ ना, विलन। My name is Kali. Oh, I am the fourth largest weapon dealer in the world. अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो let's make a deal. हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किस नहीं। सो काली, नो डील। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। आई विल गेट देम। अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। रमैया बसता भैया रमैया। ओह माय गॉड भाई, मुझे ये लगता है कि ये शाहरुख खान कुछ अलग ही करने पर तुले हुए हैं। सीरियसली कुछ अलग ही करने पर, लाइक इस टाइम एट दिस पॉइंट उन्हें टक्कर देने वाला मुझे तो और कोई नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? अभी हाल फिलहाल में कोई पिक्चर मतलब ऐसी नज़र नहीं आ रही है जो कि शाहरुख खान की इस मूवी को टक्कर दे सके, जवान को टक्कर दे सके रियली। क्योंकि भाई इसकी स्टोरी देखो, एक्शन देखो, ओके, इम्पैक्ट देखो यार। और भाई साहब मेरे पास लिटरली शब्द नहीं है यार इस ट्रेलर को देखने के बाद कुछ भी कहने के। तुम एक ट्रेलर देख रहे हो बट तुम उस कहानी को पूरी तरीके से मतलब क्रैक नहीं कर सकते हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है वाकई में क्या स्टोरी है। रिवेंज ड्रामा है वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा क्या? इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ एक साथ है
कि भाई समझ में नहीं आता है क्या कहें, क्या बोलें, क्या नहीं बोलें. लाइक लिटरली बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे या परफेक्ट से कह सकते हो, छोटे बट परफेक्ट से एलिमेंट हैं इसमें, जो कि आपको हर एक चीज़, हर एक सीन पर आपको गूज़बम्स दिला सकते हैं. रियली इस ट्रेलर के हर एक सीन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अनएक्सपेक्टेड है. रियली मतलब मुझे नहीं लगा था यार कि बॉलीवुड की जैसी हालत चल रही है ना, तो मुझे नहीं लगा था कि हाँ ऐसी कोई भी मूवी आएगी, है ना. हाँ जब तक जवान का टीज़र या अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ तो उस बिल्कुल हम लोग उम्मीदें छोड़ चुके थे बिल्कुल. और मैं सच्ची बताऊँ, मैं इसे बॉलीवुड की मूवी कह भी नहीं सकती, जस्ट बिकॉज शाहरुख खान है इसमें, ठीक है, दीपिका हैं, तो मैं इसे बॉलीवुड की मूवी कह भी नहीं सकती क्योंकि भाई इसमें एटली का काम है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे साउथ इंडियंस नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं कि मैं इसे बॉलीवुड मूवी चाहकर भी कह ही नहीं पा रही हूँ. ठीक है, भले ही इसे रेड चिली मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट सच में यार भाई इस ट्रेलर ने तो पसीने दिला दिए, कसम से यार पसीने दिला दिए. एक एक सीन में इमोशन है, थ्रिल है, ड्रामा है, एक्शन है भाई. मतलब जब शाहरुख खान को आप एज अ विलन देखते हो ना, है वो विलन लेकिन मतलब लग रहा है जैसे कि एक वो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि हम विलन्स को अपना हीरो मानने लगे हैं, ठीक है, तो कुछ वैसा ही लग रहा है कि हाँ भाई एक इंसान को इतना ज़्यादा पुश किया जाता है, इतना ज़्यादा पुश किया जाता है कि वो विलन का बाप बन के सामने आता है, ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है. भाई साहब इसे बोलते हैं यार मास मसाला एंटरटेनमेंट, लिटरली फाड़, ओ माय गॉड फाड़ है सीरियसली. शाहरुख खान के हर एक लुक में, ठीक है, चाहे वो क्लीन शेप वाला वो बेटे वाला लुक हो, ठीक है, चाहे वो मस्टैच वाला लुक हो जहाँ पे उन्होंने मतलब वर्दी वगैरह पहनी हुई है आर्मी की, ठीक है, उसको देख के एकदम जैसा लगता है कि हम लोग बहुत सारे साल पीछे चले गए हैं. मैं हूं ना वाले शाहरुख खान वो हमारे सामने मूछें लगा के खड़े हुए हैं, ठीक है, हालांकि यार हेयर स्टाइल अलग है थोड़ा, बट फिर भी ऐसा वो याद आ जाता है भाई आर्मी ऑफिसर की भूमिका में हमने शाहरुख खान को कितनी बार देखा है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम. तो इसीलिए एकदम सामने वही पोर्ट्रेयल, जैसे ही आप वो वर्दी देखते हो वैसे ही सामने आपको मैं हूं ना वाला शाहरुख खान एक्शन करता हुआ नज़र आ जाता है ना. तो वहाँ और वहाँ का डायलॉग भी, उस सीन का डायलॉग कि मतलब हमारे देश का हर एक जवान अपने खून बहाने को राजी है लेकिन सिर्फ देश के लिए, है ना. तो ये सब चीज़ें, ये इम्पैक्टफुल डायलॉग, ये वंडरफुल से सीन्स, ठीक है, इतने धमाकेदार एक्शन, ये सब यार इस बात पर खरा उतरता है कि ये मूवी ना भाई गजब ढाने वाली है, ठीक है, गजब ढाने वाली है. और VFX रेड चिली जो रेड चिली एंटरटेनमेंट जो इस मूवी को ला रहा है, ठीक है, वो भाई VFX के मामले में हमेशा ही हमें खुश करता है, ठीक है, हमेशा ही हमें खुश करता है. और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ठीक है. काफ़ी सारे ऐसे बैकग्राउंड्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे बहुत ही तगड़ा VFX यूज़ किया गया है, लेकिन मतलब ऐसा VFX यूज़ किया गया है कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है ना, एकदम रियलिस्टिक लगता है. बस मुझे एक आध जगह ऐसा लगा कि मेकअप में थोड़ा सा मतलब इधर उधर 10-5% हो गया है, नहीं तो मुझे कोई फ्लॉ इस ट्रेलर में नज़र नहीं आया है, कोई भी फ्लॉ इस ट्रेलर में बिल्कुल नज़र नहीं आया है. कहानी आपको पता होते हुए भी नहीं पता है, ठीक है, ये इस ट्रेलर की सबसे बड़ी खूबसूरती है. तो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.